मुआवजे न मिलने पर गुस्साए किसानों ने एक सब स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। किसानों का कहना है कि उनको अधिग्रहण के बाद जिस मुआवजे की उनकी मांग है वो उन्हें नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की ट्रांस गंगा सिटी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का उचित मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने अब उग्रवादी रुख अपना लिया है। इसी को देखते हुए नाराज किसानों ने ट्रांस गंगा सिटी एरिया के करीब 1 किलोमीटर परिधि में बने सब स्टेशन पर हमला करते हुए प्लांट की पाइपों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। सही मुआवजा मिलने की जगह अगर लाठी और डंडे मिले तो भला मजबूर और मजलूम किसान करे भी तो क्या करे। यही सवाल उन्नाव के उन किसानों के लिए भी है जिन्हें तय किया हुआ मुआवजा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने विरोध जताते हुए सब स्टेशन को ही आग लगा दी। कोई किसान नहीं, असल में यूपी साइड इसने कुछ किसानों को दलाली के रूप में यहाँ पर खरीद रखा है कि ताकि आपको हम यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन देंगे, आपके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखेंगे। उन किसानों को खरीद कर और एक जो व्यवस्थित होकर उन्होंने पहले जो एफिडेविट दिए गए वही वो 700 एफिडेविट दिखा रहे हैं कि वो हमारे साथ किसान हैं। अभी लेटेस्ट में जब इसकी जांच हुई थी तो उन किसानों ने कहा था कि नहीं, हम किसान आंदोलन के साथ हैं, इसके अलावा जाँच भी कर चुका था। तो सारे प्रकरण अगर आप प्रशासन से मांगे कि एलआई रिपोर्ट से लेकर सारी रिपोर्ट अगर मंगाई जाए और उसमें अगर देखा जाए कि किसान भी कहीं दोषी है तो किसानों की तरफ से हम जो प्रशासन चाहेगी वो सजा देंगे। लेकिन किसानों के दोष नहीं रहा। आप लोगों ने कई चक्रों में देखा होगा कि जब भी प्रशासन ने कहीं भी बुलाया, आज के 14 तारीख को जब प्रशासन ने हम लोगों को बुलाया तो मैं अकेला गया कि नहीं सर बताइए, तो हमने यही कहा था कि सर किसानों से बैठ कर बात कर ली जाए। सब स्टेशन में आग लगाने से पहले किसानों ने ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। किसानों का आरोप है कि उन्हें जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली जिसमें पुलिस के 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। इस दौरान लाठीचार्ज भी की गई। लाठीचार्ज होते ही किसानों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया जिसमें COCD और एक चौकी इंचार्ज घायल हो गए। वहीं किसानों और पुलिस की इस झड़प में 6 किसान घायल हो गए। 2 किसानों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किसानों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने 6 आंसू गैस की गोली भी दागे। वहीं किसान नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रांस गंगा सिटी में यूपी SIDC द्वारा काम प्रारंभ कराया जा रहा था, उसी समय ग्रामीणों और कुछ अराजक तत्वों द्वारा यूपी SIDC के गाड़ियों पर और उनके आदमियों पर हमला बोल दिया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उनके टावर तोड़ दिए गए। इस संबंध में UPSIDC की तरफ से 8 नामजद व्यक्तियों के और 211 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा बलवा और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और 7 CLA एक्ट में लिखाया गया है। इसमें विवेचना हो रही है और शीघ्र ही इनके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ किसान सही मुआवजा न मिलने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे का कहना है कि किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है और प्रशासन के पास उनका कोई बकाया नहीं है। सिटी जो उन्नाव और कानपुर की सीमा पर निर्माणाधीन है, इसमें काफी वक्त से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों का कोई ग्रीवांश नहीं रह गया है। आज के डेट में 5,51,000 रुपये का जमीन का मुआवजा और 7,00,000 रुपये एक्स ग्रेसिया का अलग से पेमेंट इनको किया जा चुका है और साथ साथ 6% जमीन किसानों को फ्री ऑफ कास्ट दी गई है, जो कि मिक्स यूज की है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों यूज की जमीन है। तो कोई इशू नहीं रह गया है। ये मामला बहुत पुराने समय से चल रहा है। इसमें काफ़ी किसान ऐसे हैं जो सहमत हो गए हैं। उन्होंने हमको करीबन 700 किसानों ने समर्थन पत्र भी दिया है शपथ पत्र के माध्यम से कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ किसानों का एक गुट और एक वर्ग ऐसा है जो किसानों को और वहाँ के ग्रामवासियों को बरगला रहा है और उसमें यह भी संज्ञान में आया है कि जमीन जो खाली पड़ी हुई है उस पर वही जो नेता बन रहे हैं वहाँ के, वो लोग उसको किराए पर भी उठाए हुए हैं। तो इसमें कुछ लोगों का निहित स्वार्थ है। दरअसल ये पूरा मामला UPSIDC की ट्रांस गंगा सिटी का है जहां 3 साल से किसान अधिग्रहण की शर्तें पूरी ना करने और मुआवजा ना मिलने की वजह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शनिवार को जिला प्रशासन के अधिकारी किसानों की जमीन पर JCB लेकर पहुंचे, जिसके बाद किसानों ने अपना आपा ही खो दिया। फिलहाल किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।